Chucky B. वन प्लस पेट जो इंडिया में 29th ऑफ अप्रैल को मिलने वाला है, जो चाइना में लॉन्च हुआ ओप्पो पेट 2 का रीब्रांडेड वर्जन है। फास्ट रिफ्रेश रेट, यूज डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस 4 स्पीकर्स, फ्लेक्सी प्रोसेसर, सुपर बिन डिजाइन, यूज बैटरी एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं वन प्लस पेट या तो फिर ओप्पो पेट 2 का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ, जो इंडिया में 29th ऑफ अप्रैल को लॉन्च होगा और टैबलेट की प्राइस 25th ऑफ अप्रैल को रिलीज होने वाली है। लेकिन वीडियो के आखिरी में आप इंडिया की एग्जैक्ट प्राइस देख सकते हैं। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने मिलते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये है ओप्पो पेट 2 या तो फिर वन प्लस पेट का बॉक्स। बॉक्स के प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं और ये ग्रे कलर में है और ये 12/256 GB वेरियंट है। बॉक्स के ऊपर ओप्पो पेट 2 की ब्रांडिंग मिल जाती है, लेकिन इंडिया में वन प्लस का ब्रांडिंग मिलेगा। बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं, बॉक्स कॉन्टेंट देखे तो यूजर मैनुअल मिल जाता है, टाइप सी टू ए केबल मिल जाएगा और आखिरी में 67 वॉट का पावर एडेप्टर मिल जाएगा। टेप के प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड की। बैक यहाँ पे एल्यूमिनियम का मिलेगा। बैक में डिजाइन देखे तो सर्कुलर शेप में टेक्सचर्ड मिल जाते हैं और इस सर्कुलर टेक्सचर्ड के सेंटर में राउंडेड कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। लाइट के रिफ्लेक्शन से ग्लोसी देखने को मिलता है ये टेप। फ्रंट साइड देखे तो यहाँ पे पेन का वायरलेस चार्जिंग पॉइंट है जो मैग्नेटिकली अटैच होगी। यहाँ पे टॉप साइड में वॉल्यूम रोकर मिल जाता है, बॉटम साइड राउंडेड मिल जाती है जहाँ पे 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं और मिडल में टाइप सी पोर्ट मिलता है और ये कीबोर्ड के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे मिडल में डॉल्बी का लोगो मिल जाता है। अगेन 2 स्पीकर्स मिलते हैं, यानी इस टेबलेट में 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, वो भी डॉल्बी सर्टिफाइड, क्योंकि यहाँ पे डॉल्बी विजन एटमोस का ब्रांडिंग मिलता है। एंड टॉप में पावर बटन मिल जाता है। ओवरऑल फील यहाँ पे कंफर्टेबल मिलती है। यहाँ पे आस्पेक्ट रेशियो 7:5 का मिल जाता है, ये अच्छा आस्पेक्ट रेशियो है। पहले के टेबलेट में 16:10 का आस्पेक्ट रेशियो मिलता था। और ये है टच कीबोर्ड। टच कीबोर्ड का मतलब कीबोर्ड के साथ आपको टच पैड भी मिलेगा और इस कीबोर्ड को टेबलेट के कॉन्टैक्ट फेज में अटैच करना है, इट कैन बी पैड। इस कीबोर्ड में पीयू लेदर जैसी फील मिल जाती है और फील काफ़ी अच्छी मिलती है। कीबोर्ड में टच पैड भी काफ़ी अच्छा और स्मूथ काम करता है और यहाँ पे डीले भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये पोर्ट के साथ अटैच्ड है। कई सारे ब्लूटूथ कीबोर्ड में डिले देखने को मिल जाता है और साथ में ये पेन भी मिल जाती है। बॉक्स की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और पेन को इस टैबलेट के साथ मैग्नेटिकली अटैच करने के बाद यहाँ पे टैबलेट में पॉपअप देखने को मिल जाता है और यहाँ पे बैटरी 70% रिमेनिंग बताता है। दोस्तों आपके पास अगर टैबलेट है तो आप उसका यूज़ कैसे करते हैं? मैं तो मूवी, शॉर्ट वीडियोस, थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए यूज़ करता हूँ। आपने कभी टैबलेट का यूज़ प्रोफेशनल मीन्स प्रोडक्टिव यूज़ किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस ओप्पो पेट 2 या तो फिर वन प्लस पेड में 7:5 का रेशियो मिल जाता है। स्क्रीन 11.61 इंच की मिल जाती है। यहाँ पे 144Hz की LCD डिस्प्ले मिलेगी। ज़्यादातर एंड्रॉयड टैबलेट 16:10 के रेशियो में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 10% डिस्प्ले एरिया ज़्यादा मिलेगा। रिजोल्यूशन 2800x2000 pixels का मिल जाता है, यानी इसमें वीडियो का और ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। मैक्स ब्राइटनेस 500 nits से ऊपर मिल जाती है। एज में ब्राइटनेस अराउंड 480 nits तक मिलती है और LCD डिस्प्ले में ये नॉर्मल लेवल कह सकते हैं। ओप्पो पेट 2 या तो फिर वन प्लस पेड में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ढासू मिलेगा, क्योंकि स्क्रीन भी अच्छी है और साउंड भी अच्छा मिलेगा और साउंड भी लाउड मिलता है। ओप्पो पेट 2 या तो फिर वन प्लस पेड में हार्डवेयर की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर मिल जाता है, जो फ्लेक्सिप ग्रेड प्रोसेसर है। इस टैबलेट में एंजिन इंपैक्ट हाई सेटिंग पे आसानी से खेल पाएंगे। एवरेज फ्रेम रेट भी 59 FPS तक मिल जाती है, जो ज़्यादातर गेमिंग फोन में मिलती है। यानी परफॉर्मेंस में तो ये ढासू है, लेकिन गेमिंग में लॉन्ग ड्यूरेशन में इस टैबलेट को होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि साइज बहुत बड़ी है। ओप्पो पेट 2 या तो फिर वन प्लस पेड में बैटरी की बात करें तो 9510 mAh की यूज बैटरी मिलती है। इट टेक्स टू मच टाइम टू रिचार्ज इट। एज पर ऑफिशियल डेटा आप इस टैबलेट में कंटिन्यूस 16 आवर्स तक वीडियो प्ले कर सकते हैं। इस टैबलेट में 67 वॉट का चार्जर मिल जाता है। इस चार्जर से 10 मिनट इस टैबलेट को चार्ज करने के बाद 3 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है और वन प्लस पेड में कलर ओएस 13.1 मिल जाता है, जो काफ़ी स्मूथ चलता है और परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा।
और OS में कई सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि फिंगर स्वाइप करने से स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है, बाकी कर्व्ड साइड्स मिलती है, स्क्रीन में आर एंगल मिल जाता है, ग्लास यहाँ पे 2.5D कर्व्ड मिल जाता है, इट लुक्स एंड फील कंफर्टेबल। कीबोर्ड देखें तो यहाँ पे पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है, तो इससे सेपरेटली चार्ज भी नहीं करना पड़ेगा। कीबोर्ड की फील भी काफी अच्छी मिल जाती है, रिबाउंड काफी स्ट्रॉन्ग मिलता है। बस इस कीबोर्ड की डाउनसाइड एक ही है, आप एंगल चेंज नहीं कर सकते हैं और पेन में भी लो लेटेंसी मिल जाती है, सपोर्ट 0 to 60 degree फ्लैंक राइटिंग और साइड में मैग्नेटिकली चार्ज भी हो सकती है। ओवरऑल OnePlus Pad 2 काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी 150 मिलेगा इसमें, साथ में डिजाइन भी काफी अच्छे मिल जाते हैं और कीबोर्ड और पेंसिल भी काफी अच्छा काम करती है। एज पर लीक OnePlus Pad की प्राइस इंडिया में 39,999 से आ सकती है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा OnePlus Pad, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट और टेक न्यूज सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूले और लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।